बहुत बहुत स्वागत है सभी किसान भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान सेवा केंद्र पर। मैं आपका दोस्त राजू धाकड़। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि अक्टूबर नवंबर में लहसुन के भाव यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, क्या भाव बढ़ेगा या फिर मंदी का दौर चलेगा। तो आज इस विषय पर बात करने वाले हैं। उससे पहले मेरे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास आए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आइए बात कर लेते हैं आगे लहसुन के भाव की, कि आगे भाव क्या रहने वाले हैं लहसुन में। तो दोस्तों, यहाँ पे लॉकडाउन पूरी तरह से अभी ख़त्म हो चुका है। रेस्टोरेंट, मंदिर, होटलें वगैरह सभी यहाँ पे खुल चुके हैं, तो लहसुन का भाव आगे आपको बहुत ही ज़ोरदार देखने को मिल सकता है। यानी कि सभी दुकाना वगैरह, होटलें वगैरह सब खुल चुके हैं, तो यहाँ पे लहसुन के बाज़ार में तेज़ी आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है अक्टूबर नवंबर में। तो यहाँ पे भाव कहाँ तक जा सकते हैं, तो यहाँ पे जो अभी चल रहे हैं भाव 10-12-15 हज़ार रुपये, तो यहाँ पे आपको 2 से 3 हज़ार रुपये की तेज़ी ज़रूर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लहसुन के स्टॉक की हम बात करें तो अभी जो लहसुन का स्टॉक है मध्य प्रदेश में लगभग 40% स्टॉक और बचा है, जिसमें से 15% लहसुन भिजवाने के लिए ही बचा है। यानी कि थोड़ा बहुत और स्टॉक यहाँ पे लहसुन में बचा है, तो भाव बहुत ही अच्छे यहाँ पे देखने को आपको ज़रूर ज़रूर मिलेंगे। दर्शकों, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगभग 30% लहसुन बचा है, वहीं 10 से 15% लहसुन की बुआई की जाएगी बिजवारे के लिए है, तो यहाँ पे भी इतना ही स्टॉक बचा है। कुल मिला के जो लहसुन का स्टॉक है देश का, लगभग 40 से 45% लहसुन बचा है पूरे देश में। और यहाँ पे जो 40 से 45% लहसुन बचा है, तो यहाँ पे 10 से 15% लहसुन की बुआई की जाएगी, तो लहसुन बाद में बचेगा 20 से 25% लहसुन ही बचेगा बेचने के लिए। तो यहाँ पे भाव बहुत ही अच्छे देखने को आपको मिलेंगे। दोस्तों, दीपावली तक भी आपको यहाँ पे लहसुन के भाव में तेज़ी देखने को मिल सकती है। 400 से 500 रुपये की तेज़ी आपको दीपावली तक लहसुन में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको लहसुन बेचनी या रखनी ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम ये नहीं कहते हैं कि आप लहसुन रोको, क्योंकि आपका खुद का माल है, आप अपने ऊपर ही बेच सकते हैं, और आप अगर रोकना चाहते हैं तो भी आप अपने ऊपर ही रोक सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी थी हमने आप तक पहुँचाई है। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास आई बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और देश की सभी बड़ी मंडियों के भाव भी आपको इस चैनल पर रोजाना मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।